तो हेलो भाई लोग, आपको अभी बताने वाला हूँ कि कैसे आप विदाउट किसी भी भाई मोबाइल नंबर के जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस होती है भाई, और अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं, एंड आपको साइड में स्क्रीन पर दिख भी जाएगा भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड भाई, इस चैनल पर मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है भाई, क्योंकि मेरे पास अभी पब्लिक नहीं है और मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपको देते रहता हूँ, और जो भी आपकी नॉलेज भरी वीडियो वो देता रहता हूँ भाई। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड मैं अपने भाई, एक मोबाइल है मेरे पास, तो इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लेता हूँ, जो कि आपको साइड में दिखाने की काम आएगी। तो भाई ये देखिए, मेरे पास इस मोबाइल में भाई बिल्कुल भी नहीं है भाई, अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं है। बस ये कुछ एप्लीकेशन है, और यहाँ पर मैं अभी प्ले स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, अभी मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है। तो भाई जैसे ही हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में भाई यहाँ पर लिखा है एक साइन इन, तो हमें यहाँ पर टच कर देना भाई, जैसे जिससे कि हम डायरेक्टली जो गूगल का भाई जीमेल बनाने का पेज होता है वहाँ पर हम रिडायरेक्ट वो कर दिए जाएंगे कि रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे भाई। और वहाँ पर हमें जाने के बाद एक मिलता है क्रिएट ए अकाउंट। तो फिर आगे बताता हूँ कि भाई आगे आपको क्या कुछ प्रोसेस रहती है। ये देखिए मेरा अभी जो भाई ये वर्किंग कर रहा है, एंड यहाँ पर आपको एक नीचे मिलेगा भाई क्रिएट अकाउंट। तो भाई मेरी अभी सेकेंड ही वीडियो, थोड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है भाई, तो प्लीज़ यार इग्नोर कर देना इस चीज़ को। एंड यहाँ पर आपको एक मिलता है क्रिएट अकाउंट, तो आपको इस चीज़ पर टच कर देना है। एंड यहाँ पर टच करने के बाद में भाई देखिए कुछ ये लिखाता है, तो यहाँ पर आपको मिलता है भाई एक कि आपको माई सेल्फ मतलब कि खुद का अकाउंट बनाना है या फिर अपने बच्चे का बनाना है। वही आपको कर देना फॉर माई सेल्फ, तो आपको इस पर टच कर देना है। एंड यहाँ पर एंड इस पर टच करने के बाद में भाई फिर हमारा कुछ आगे एक और प्रोसेस आता है निकल कर। तो नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। एंड फिर हमें यहाँ पर मिलता है भाई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो भाई हमें यहाँ पर कर देना अपना जो भी नेम है ना, तो भाई वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना, जिसकी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ राज, एंड फिर यहाँ पर कर रहा हूँ कुमार। तो मैंने राजकुमार नाम से कुछ ये एप्लीकेशन वो जीमेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड फिर हमें कर देना भाई नीचे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पर जैसे ही हम टच करते हैं सर्चिंग होने लगता है फिर से। एंड फिर हमें आता है भाई डेट ऑफ बर्थ, पूछ रहा कि आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि क्या है। तो भाई हमें डे यहाँ पर लिख देना कुछ भी रैंडमली, जैसे कि हमें 12 तारीख लिख दी, और मंथ भाई कुछ भी, जैसे कि दिसंबर ही मंथ कर दिया। एंड और हमारी भाई ईयर कौन सी है, एंड यहाँ पर 2000 हमने जो कर दी भाई ईयर कर दी। एंड फिर नीचे पूछ रहा कि भाई आपका जेंडर क्या है, आप महिला है या पुरुष है, कुछ जो आप बताना चाहें, एंड आप जो भी हो भाई वो बता देना। एंड मैं यहाँ पर मेल पर यहाँ पर टच कर रहा हूँ, और मेल पर मैं जैसे ही टच करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आता है। एंड फिर नीचे आ रहा भाई नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एंड जैसे मैं करता जा रहा हूँ भाई वैसे ही आपको भी करना है। एंड यहाँ पर आ रहा है क्रिएट एट जीमेल एड्रेस, मतलब कि आपकी जीमेल क्या रहना चाहिए, जैसे कि राजकुमार मैंने जैसे नाम लिखा, तो राजकुमार@gmail.com, राजकुमार123 या जो भी आपका नाम होगा भाई, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड नीचे आ रहा भाई, नीचे लिखा रहा मोबाइल नंबर, यूज मोबाइल नंबर, तो हमें यूज मोबाइल नंबर पर टच नहीं करना है, बस यहीं पर हमें क्रिएट है जीमेल पर हमें यहाँ पर टच करना। एंड RAZKUMAR लिख कर भाई, और जेड लिख देता हूँ, एंड फिर कर देता हूँ 1। एंड यहाँ पर बीच में स्पेस आ गया, तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल, RAZKUMAR Z और 1 भाई। ऐसे आपको करके जो भी आपके जीमेल है तो क्रिएट कर नेक्स्ट कर देना भाई, क्योंकि राजकुमार नाम से काफ़ी बंदों ने जीमेल बना ली होगी, एंड एक जीमेल एक ही एड्रेस होता भाई, तो हमें कुछ अलग नाम लिखना होगा, तो इसलिए हमें बाद में नेक्स्ट कर देना है। तो इस नाम से पहले से ही किसी ने बना के रखी है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है भाई RAZKUMAR YZY1, तो इस नाम से कोई नहीं होगी भाई शायद, तो एंड इस नाम से कोई नहीं है भाई। और फिर हमारा नेक्स्ट आ गया कि पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर RAZKUMAR राजकुमार मेरी ये भाई, कोई पर्सनल ईमेल नहीं है, बस ऐसे ही इसको यूज़ करने के लिए। एंड नीचे फिर आ रहा भाई रीसेट योर पासवर्ड, एंड फिर हमें यहाँ पर रीसेट योर पासवर्ड पर हमें नीचे यहाँ पर टच कर देना। एंड यहाँ पर एक नीचे मिलेगा भाई स्किप करने का ऑप्शन, तो हमें यहाँ पर स्किप पर भाई टच कर देना। एंड स्किप करने के बाद में भाई फिर ये हमारा हो गया। एंड फिर नीचे आ रहा है, नीचे डन का ऑप्शन आ रहा है, एंड हमें फिर यहाँ पर डन कर देना। एंड फाइनली हमारा भाई ईमेल बनकर तैयार हो गया, बिना मोबाइल नंबर के आपके सामने हुआ सब कुछ। मैंने कहीं पर भी भाई कहीं पर भी मोबाइल नंबर यूज़ नहीं किया, एंड आपको जहाँ पर यूज़ मोबाइल नंबर था ना भाई, तो वहाँ पर मैंने टच नहीं किया, क्योंकि भाई मुझे मोबाइल नंबर नहीं देना था। एंड आप अगर वहाँ पर टच करते हो तो आपसे मांगता भाई आपका मोबाइल नंबर, एंड फिर आपका जीमेल नहीं बनता। तो भाई यही था भाई, एंड देखिए यहाँ पर गूगल सर्विस मेरा ओपन हो गया, एंड कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ अपने मोबाइल में। और फिर आ रहा है भाई नेक्स्ट करने का, एक्सेप्ट करने का। एंड यहाँ पर ये गूगल की सारी जो प्राइवेसी एंड जो भी कुछ होता भाई,
तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो देखिए भाई, फाइनली चेक इन इन्फॉर्मेशन एंड हमारा भाई गूगल का जीमेल बनकर रेडी हो गया एंड हमारा प्ले स्टोर भी ओपन हो गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ईमेल जो जीमेल बना है या नहीं बना भाई, तो अकाउंट में शो कर रहा है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, थोड़ी सी सेकंड की 10-20 सेकंड की वीडियो हो रहा है एंड देखते रहना लास्ट तक। एंड प्लीज़ यार वीडियो लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और ये देखिए भाई फाइनली आ गया है एंड ये कह रहा है कि सर्वर एरर एंड ये अभी दिखा देता हूँ। तो 1 मिनट रुक जाना भाई, 1 मिनट तो कहाँ भाई, अभी यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। मैं यूट्यूब पे गया एंड यहाँ पर ऊपर मिलता है हमें एक जीमेल का ऑप्शन मिलता है या हमारे अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो फाइनली हमारा आ गया भाई एंड साइन इन करता हूँ मैं जैसे ही। तो ये देखिए भाई राजकुमार नाम से एंड ये रही Rajkumar YZY1@gmail.com। फाइनली हमारा अकाउंट बन गया एंड थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड आप इसमें मोबाइल नंबर ऐड करना चाहे तो लास्ट में कर भी सकते हैं, वरना नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी है।